पीएच लेवल है वो 2.4 है। अब 2.4 पीएच तो एसिड का होता है, जो हम टॉयलेट साफ करने के लिए एसिड इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच 2.4 होता है, और यहाँ पेप्सी कोक का पीएच 2.4 है। तो ये जो गंभीर बात है, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। राजीव जी को इतने ठोस सबूत देने के बावजूद भी राजीव दीक्षित को नेशनल लेवल की चैनल नहीं बुलाती है बात करने, कहीं लगता है उनको, आपको लगता है कि उनको डर है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां उनका एड बजट कम कर दे या रोक हाँ, दे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय चैनल वाले बात करते हैं, वो मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे चर्चाएं होती हैं। वो कहते हैं मुझसे कि राजीव भाई, आपकी बातें तो सब सही है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। मैं पूछता हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम क्या, जब तुम्हें लगता है कि बातें सही? वो कहते हैं कि आप जितनी कठोर भाषा में बोलते हैं और सीधे जो अटैक करते हैं मल्टीनेशनल पे, हमारा तो बड़ा बजट उन्हीं के हिस्से का है। तो इसलिए छोटे जो चैनल हैं या लोकल चैनल हैं, जो ज़्यादा विदेशी कंपनियों के एडवर्टिजमेंट पे निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है, वो लोग बुलाते हैं, बात करते हैं खुलकर। ओवरऑल ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर विदेशी कंपनियों का कितना होल्ड रहेगा, और कितना पैसा, कितनी पूंजी हमारी विदेशों में विदेशी कंपनियां ले जाती हैं? हमारे देश में एक सेक्टर है जिसको FMCG सेक्टर कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको कहते हैं, घरेलू सामान। इसमें तो सबसे ज्यादा विदेशियों का पूरा कब्जा हो गया है। बाकी कुछ सेक्टर हैं जिसमें ज्यादा विदेशी कंपनी नहीं आ पाई है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जी स्टील इंडस्ट्री है, जो हमारी मेगा इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें तो इतना दखल नहीं है। मोटर कार की इंडस्ट्री में थोड़ा विदेशी कंपनियों का दखल हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दखल हुआ है हमारे देश के कंज्यूमर आइटम्स में, क्योंकि इनको बनाने का खर्चा बहुत कम आता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि 1 रुपए में बनने वाली चीज 40 रुपए में बिकती है। ओ हाँ, ये स्थिति है। मैं आपको ऐसी कई कॉस्मेटिक्स क्रीम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, जो 1 किलो बनाई जाए तो मुश्किल से 20-25 रुपए, 50 रुपए का खर्चा आएगा, और वो 1 किलो बेची जा रही है 1600 रुपए से 2000 रुपए। लेकिन बिकेगी ना राजीव जी, क्योंकि विदेशी जो आपने बताया, खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनकी एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि वही चीज इस्तेमाल करो तो काली भैंस गोरी भी बन जाती है। हिंदुस्तानी प्रोडक्ट जो है स्वदेशी, उसमें वो ताकत दम नहीं है। मेरा तो चैलेंज है दुनिया में, एक भी क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बना दे, क्योंकि काला होना गोरा होना आपके जेनेटिक मटेरियल से तय होता है। लेकिन विदेशी क्रीम एडवर्टाइज में तो बता देती है। एडवर्टाइजमेंट तो 100% झूठ है। ये अकेला हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा देश है जहाँ झूठे एडवर्टाइजमेंट करने की खुली छूट है। हमने कई फेयर बनाने वाली क्रीम, जो दावा करती हैं कि हम फेयर बनाते हैं, फेयरर बनाते हैं, पहले से गोरा बनाते हैं, उन सभी क्रीमों को 4-4 साल भैंस को लगा के देख लिया, वो भैंस अभी भी काली की काली है। उन क्रीमों का हमने केमिकल एनालिसिस करा लिया, केमिकल एनालिसिस कराया तो ऐसा एक भी केमिकल नहीं है जो शरीर को गोरा बना सके। शरीर का काला या गोरा होना हमारे शरीर में हमारा जो डीएनए मटेरियल है उस पर फिक्स होता है, वो हमारे माता पिता से फिक्स होता है, और डीएनए मटेरियल के कारण एक मेलेनिन नाम का केमिकल होता है ब्लड में। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो रंग काला हो जाएगा, कम हो जाएगा तो गोरा हो जाएगा, बीच में रहेगा तो सांवला। ज्यादा हिंदुस्तानियों का बीच का है ना, हम काले हैं ना गोरे हैं, हम सांवले हैं।